नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर करण आर रावत है। मैं आगरा में एक गैस्ट्रो लेज़र लैब सर्जन की तरह कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के ऊपर। जॉन्डिस मतलब पीलिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि पीलिया हो गया है तुम्हें। तो पीलिया होने के बहुत कारण होते हैं। पीलिया एक बेसिक भाषा में अगर कहा जाए तो पीलिया क्या होता है? पीलिया होता है कि हमारी आँखें पीली पड़ना, क्योंकि पीलिया एक सिम्टम है, ठीक है, कोई एक बीमारी नहीं है। पीलिया किसी बीमारी की वजह से आपको दिखता है कि पीला शरीर पड़ गया है, आंखें पीली हो गई। इस पीलिया के कारण बहुत से होते हैं। अगर बेसिकली अगर मैं कारण गिनाऊं तो तीन कारण मुख्य। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि किसी की भाई रुकावट की वजह से पीलिया होना। दूसरा कि किसी कोई अंग खराब होने की वजह से पीलिया होना। तीसरा जेनेटिक मतलब कहीं ना कहीं हमारे बेसिक मॉलिकुलर या जीन लेवल पे अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से पीलिया होना। एक और कारण कभी कभार रेयर होता है कि कोई हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से भी हमें पीलिया दिख सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें कि कोई रुकावट भरी पीलिया की बात करें, जॉन्डिस की बात करें, तो उसमें आता है कोई स्टोन या फिर कोई मास। स्टोन मतलब पित्त की थैली से जो पथरी है वो बाहर जाके अटक गई है, उसने प्रेशर क्रिएट किया बड़ी नली पे। बड़ी नली को सीबीडी कहते हैं। बड़ी सीबीडी में कोई और पथरी अटक गई या फिर चुप्पित है जो काफ़ी गाढ़ा पित्त है वो अटक गया। उसके अलावा वहाँ पर कोई मास बढ़ गया, अगर कोई कैंसर की वजह से या किसी और वजह से कहीं कोई गांठ या मास आ गया, जिसकी वजह से जो हमारी लिवर है वहाँ से पित्त नीचे नहीं आ पा रहा ढंग से और वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको भी उससे भी पीलिया की शिकायत हो जाती है। और बहुत ज़्यादा 20 बिलोरोबिन 15 बिलोरोबिन ये सब आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हमारी सबसे मेजर होता है अल्कोहल, शराब पीने की वजह से। शराब पीने की वजह से हमारी लिवर की कार्य करने की क्षमता और डैमेज बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो जाता है, क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाइल को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब बाइल को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो एक्यूमुलेट होगा और एक्यूमुलेट होने के बाद वो धीरे धीरे पीलिया करेगा। पीलिया वो चीज़ सही नहीं होगी। उसके अलावा इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस जिसे कहा जाता है, लिवर में सूजन कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई इन प्रकार की होती हैं, जिसमें से ए और ई जो होती है वो खान पीन की वजह से होती है और बाकी चीज़ें संक्रमण की वजह से होती हैं। इनमें भी आपको जॉन्डिस देखा जाता है और इनके लिए भी दवाई चलती हैं जिससे वो जॉन्डिस को हम कंट्रोल में रखें। याद रखिएगा, जब तक 2.5 बिलोरुबिन नहीं होगा तब तक आपको आँख में पीलिया नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको आप ये सोचें कि नहीं, जब तक पीलिया नहीं होगा तो लिवर खराब नहीं हो रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा 2.5 के ऊपर ही दिखेगा। उसके अलावा जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनकी वजह से भी एक पेशेंट का पीलिया, मतलब पीलिया हमेशा रहता है, आँख पीली सी रहती हैं और उनका बिलोरुबिन की रेंज 5 से कम होती है। तो ऐसे भी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ऐसा रहता है, वो चीज़ हम जब जाँच पड़ताल करते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है। बट हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर को जब हटा लेंगे तब हम इस चीज़ को सोच सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की अगर कमी होगी तो भी बिलोरुबिन की बिलोरुबिन का जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है उसमें भी वो चीज़ होगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ हमने पीलिया पे बात करी, तो हमेशा जब भी अगर पीलिया हो तो सजग हो जाएं, एक उचित सही डॉक्टर को दिखाएं और जिससे उस चीज़ का इलाज करें। और अगर देखिए, पीलिया से बचने के लिए अच्छा खान पीन और अल्कोहल का ना सेवन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा।